तो भाई इतने दिनों से जिस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था वो चीज़ फाइनली आ गई है। मतलब वैक्सीन के बाद सबसे ज़्यादा लोग इसी का वेट कर रहे थे। नमस्ते, मैं बहुआ। नमस्कार, मैं हूँ रौनक। और फौजी का नया अपडेट जिसमें TDM भी फाइनली इंक्लूड कर दिया गया। मतलब एनकोड गेम्स के फाउंडर विशाल गोंडल सर की ट्विटर वॉल पे तो लोगों ने बवाल कर दिए थे भाई साहब। कैसा बवाल बहुआ भाई? मतलब वो कुछ भी ट्वीट करते थे कमेंट में, सर TDM कब आएगा। मतलब वो पानी पीते हुए भी फोटो अपलोड करते थे ना, तो कमेंट में लोग ये कहते थे, सर TDM दे दो, मैं पानी का टैंकर भिजवा दूंगा आपके घर। तो फाइनली इसका टीम डेथ मैच यानी TDM रिलीज कर दिया गया है और इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब भैया, जब से दुनिया नोकिया 1100 से उठकर एंड्रॉइड पर आई है, तब से आदमी टेक्निकल चीजों में इतना घुस गया है ना कि सामने वाली सड़क भी वो GPS ऑन करके देखता है। लेकिन एक काम वो और करता है, स्मार्टफोन गेमिंग। मतलब घर में ऐसा माहौल बना होता है कि से आने वाला हथगोला सीधे बालकनी में ही गिरने वाला है भाई साहब। जी हाँ, और उसी क्रेज को देखते हुए आज फौजी को बनाने वाले एनकोड गेम्स ने उसका नया अपडेट लॉन्च किया है। और इस अपडेट में वो सारी कई नई चीजें हैं जो आप इस गेम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसकी दो सबसे खास बातें जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं फिर से। पहला तो ये कि इसको सपोर्ट करके आप भारत के वीर को सपोर्ट करते हो, हमारे वीर जवानों की फैमिली को सपोर्ट करते हो। और दूसरा, मेड इन इंडिया वाली फुल फील है बॉस। जी हाँ, वैसे इसके अर्ली लॉन्च में आपको एक ही मिशन खेलने को मिलता था, लेकिन इस अपग्रेड में आपके लिए दुनिया के भर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जैसे DDLG में वो चौधरी साहब ने सिमरन को खुला छोड़ दिया, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक वैसे ही जा भैया खेल ले फौजी, वैसे ही फौजी बनाने वालों ने गेमर्स को एकदम खुला छोड़ दिया है। इस अपडेट में फाइनली 5v5 बैटल टू द डेथ ऑप्शन को ओपन कर दिया गया है। यानी आप अब इस गेम के ऑनलाइन एक्सेस को खेल सकते हो और 5 players की टीम 5 दूसरे ऑनलाइन गेमर्स की टीम के साथ भिड़ सकती है। वहीं हर एक एनिमी मारने पर आपको 100 points मिलेंगे, जिससे आप अपनी टीम के हैवी ड्राइवर बन सकते हो बेटे। पूरी लड़ाई रेड टीम बनाम ब्लू टीम के साथ होगी, जिसमें ब्लू वाली आपकी टीम होगी। और इस बार खाली चाकू पत्थर हाथ में नहीं दिए, बल्कि LMG, SMG, असॉल्ट राइफल्स के साथ शॉटगन और स्नाइपर के भी ऑप्शन है। मैं तो कहता हूँ एक एक वैक्सीन का इंजेक्शन भी दे देते तो कोविन वाला झंझट ही नहीं रहता। और इसमें कई तरीके के लोड आउट्स भी हैं, जिसमें आप एक मिशन को 2 weapons के साथ खेल सकते हैं और अपने मनपसंद हथियार चुन सकते हैं। फोड़ने के लिए बम और ग्रेनेड की व्यवस्था भी कर रखी है, जिसमें अगर आपको कहीं लगे कि भैया फट जाना चाहिए तो आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे को सबसे मजेदार लगा दीवारों पर चिपके जो एड्स हैं। जी हाँ, कोविड और वैक्सीन को लेकर के जो इसमें अवेयरनेस किया गया ना भाई साहब, ये पहला गेम है जिसमें ऐसा हुआ है। और इसको हम सैल्यूट भी करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो गेम भी एंजॉय कर पाएंगे। मतलब सोचिए, अगर आप किसी एनिमी को ढूंढ रहे हैं और वहीं आपके सामने मास्क लगाने वाला एड आ जाए, मेरे को तो लगता है इसके अगले अपडेट में अमिताभ बच्चन जी भी शायद कोविड वाली लाइन जरूर बोलेंगे कि देवी और सज्जनों, एक दूसरे के लिए घात लगाने से पहले नाक पर मास्क जरूर लगाएं। इसके साथ इसमें आपको शूट करने के लिए सिंगल, सेमी ऑटो और ऑटो मोड भी दे रखे हैं, यानी आपको सिर्फ निशाना लगाना है, बाकी काम फौजी करेगा। इसके साथ ही ये 5v5 बैटल सरदार बाजार नाम की जगह पर खेला जाएगा, यानी यही बाजार आपका मैप है। कुल मिलाकर ये गेम अपने पहले वर्जन से 10 कदम आगे निकल गया है। आप भी इसको ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। लेकिन एक स्पेशल बात, इस गेम की कमाई का एक हिस्सा, जी हां, फिर से याद दिला दे, भारत के वीर को जाएगा, जहां हमारे असली जांबाज फौजी भाइयों की फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प हो सकेगी। तो प्लीज इसमें आप लोग जो भी कदम बढ़ाएंगे, समझिए एक कदम उनकी मदद के लिए भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ स्मार्टफोन गेमिंग में ये इंडिया की तरफ से एक अच्छी शुरुआत है। तो भैया, भारत के लड़के इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनका हौसला बढ़ाइए, गेम खेल कर आइए। क्या पता आपकी टीम में मैं भी खेल रहा हूँ, है कि नहीं। जाने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना। और रिव्यूज में आप और कौन से रिव्यूज देखना चाहते हैं हमें बताना, वैसे इस चैनल पे बहुत कम आते हैं, लेकिन आते रहेंगे। बाय, फिलहाल जाते रहेंगे, टेक केयर, जय हिंद।